अरे पे आ रहे हैं ये दूसरे सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप सबके? और ये रबी अव्वल की हो गई तैयारी, हम लोग जा रहे हैं रैली के अंदर। सारे बच्चे रैली में जाने के लिए तैयार हो गए हैं। तमाम बच्चे जो है हमारे घर के रैली के अंदर जाने के लिए तैयार हो गए हैं और अब हम जा रहे हैं रैली में। इंशाल्लाह रैली में जाके आपसे वहाँ मुलाकात होगी। सारे बच्चे तैयार हो गए, ऐसी वरम फातमा रह गई है बस। चलो आ जाओ बच्चों, आ जाओ, आ रही रैली। चलो हम जाएंगे, जब ही तो निकलेगी ना रैली। चलो आओ जल्दी, चलो सारे बच्चे नीचे चलो, चलो 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 चलो। माशाल्लाह माशाल्लाह ये रैली, माशाल्लाह अभी ये निकलने वाली है रैली कुछ ही देर में इंशाल्लाह। ये काफ़ी बड़ी रैली जो है हमारी साइड एरिया लेबर स्क्वायर की रैली पूरे लतीफाबाद में जाएगी और बहुत ही मज़ा आने वाला है। ये हमारे कारी साहब खड़े हुए मस्जिद के पेशी में और ये सारे खड़े हुए हैं। ये मोहम्मद मूसा भाई साहब ऊपर हैं, रायमा बच्चे सारे, फहद वहाद सब ऊपर हैं और ये साउंड लगा हुआ है और मूसा बेचारा परेशान हो रहा है। मूसा क्यों परेशान हो रहे हो तुम? और गर्मी की शिद्दत जो है बहुत हो रही है, बहुत गर्मी हो रही है इस वक्त। धूप टाइट वाली धूप हो रही है। बस अभी कुछ ही देर में जो है रैली निकलेगी हमारी। बच्चे माशाल्लाह से सारे बैठे हुए हैं, ये बच्चे सारे बच्चे ये बैठे हुए हैं यहाँ पे। आ जाओ मेरे साथ साथ, आ जाओ मूसा। सारे खड़े हुए हैं ये और वो जैसा कि आप देख रहे हैं ये हमारे सलमान खान आ गए। राधे मोहन, क्या हाल है आपके भाईजान? ये हमारे एहसन भाई हैं, मेरे बचपन के लंगोटिया यार। चलो आ जाओ मूसा, हाथ तो मिला लो, हाथ तो मिला लो, हाथ तो मिला लो चाचू से। हाथ मिला के आओ, जाओ हाथ मिला के आओ, हाथ मिला के आओ, हाथ मिला के आओ। आ जाओ बाइक वाले हजरात से गुजारिश है कि साउंड वाली गाड़ी के आगे आगे चले और कारी साहब की गाड़ी को इको साउंड वाली गाड़ी के साथ चलने दे। दिल पे छा गया ये माशाल्लाह हमारी रैली आ गई है लेबर कॉलोनी से होती हुई। अब ये जाएगी गुलशन ज़िल पार्क। अब ये लोग जाएंगे सारे गुलशन ज़िल पार्क। माशाल्लाह 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 से देखिए कितनी बड़ी रैली है। बहुत बड़ी रैली है माशाल्लाह से। साइड एरिया लेबर स्क्वायर की हर साल निकलने वाली रैली रबी अव्वल पे। मिलात की हुर्मत को पामाल नहीं करता जो जश्न मोहम्मद की बेहद करते आई करे मुस्तफा सुभान अल्लाह।
यहाँ बहुत ज़्यादा रश, पूरा हैदराबाद बाहर निकल गया है सरकार की आमद के, और बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है, बहुत ज़्यादा रश हो रहा है इस वक्त में। हैदराबाद 10 नंबर के अंदर बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है। और ये भाई जो है शरबत बांट रहे हैं, माशाल्लाह से इन्होंने शरबत बना के रखा हुआ है। अभी तक हम वहीं खड़े हैं, 10 नंबर बहुत ज़्यादा रश हो रहा है, अभी रश के अंदर फंसे हुए हैं। जुलूस जो है बहुत बड़ा जुलूस है, तो उसी जुलूस के अंदर अभी हम लोग सारे फंसे हुए हैं। मैं एक साइड पे खड़ा हो चुका हूँ, दोनों बंदर मेरे साथ हैं, सुबह से चीज़ खा रहे हैं, फ्री में चीज़ खा रहा है, फ्री में है ना, मज़ा आ रहा है इसका, सुबह से चीज़ खा रहा है, मज़ा आ गया। और ये देखें शॉपर, मैं आपको दिखाता हूँ इनकी शॉपर, आपको सही से दिखाता हूँ, ये रही इनकी चीज़ों की शॉपर जो सुबह से इन लोगों ने जमा की है, मोहम्मद मूसा ने और हुवैला ने। असर की नमाज़ के लिए रुके हैं हम लोग, और ये अलमीर और रायमा और उमैर ये बैठे हुए हैं शेजोर के ऊपर, ये तो साउंड वाली शेजोर के ऊपर बैठे हुए हैं लोग, बाकी ये सारे अभी सब रुके हुए इधर। अभी इस वक्त हम हैं लतीफाबाद 2 नंबर में, सब अभी रुके हुए हैं। सारे माशाल्लाह से सारे बच्चे, ये अच्छू भाई के बच्चे, लो लो बना ले बस। और ये दोनों बंदर मेरे साथ, इस वक्त हैं लतीफाबाद 2 नंबर के अंदर, असर की नमाज के लिए रुके हैं, अभी कारी साहब गए असर की नमाज के लिए, वो आ जाए तो इंशाल्लाह फिर हम यहाँ से निकलेंगे अपने घर के लिए। हाँ देखना मेरा व्लॉग देखना। तो गाइस वहाँ रैली में सुदम आ गए हैं, और बहुत ज़्यादा मज़ा आया हमें रैली के अंदर, और बच्चों ने भी बहुत ज़्यादा मज़ा किया माशाल्लाह से, बहुत ज़्यादा रश था, बहुत हजूम था, आवाम था, बहुत बड़ी रैलियाँ निकली हुई थी हैदराबाद से, जगह जगह रैलियाँ निकली हुई थी, पूरे लतीफाबाद की रैलियाँ 10 नंबर में आके जमा होती हैं, फिर वहाँ से स्लो स्लो फिर अपनी फिर मंदिर की तरफ रवा रवा रहती हैं वो। और ये लोग अभी पहाड़ और भाई साहब और अलमीर रायमा ये लोग अभी सब फ्लैट गए, क्योंकि इनकी बाइकें वहाँ खड़ी हैं, बाइकें लेंगे वहाँ से और फिर घर आएंगे। लेकिन मैं भैया और मूसा और रैना हम लोग बस सीधा घर आ गए, हम लोग रैली में से शिरकत करी, उसके बाद जब रैली फ्लैट की तरफ जा रही थी तो हम लोग इधर घर की तरफ आ गए। और अभी मैं घर पर आ रहा हूँ, और अम्मी ने भी बनाई है बिरयानी और गुलत्ती, तो मैं आपको दिखाता हूँ, ये रही बिरयानी गुलत्ती बनाई है अम्मी ने, ये ज़बरदस्त लग रही है और भूख भी बहुत शदीद लग रही है। और इसमें है बिरयानी, तो ये अभी मेरे ख़्याल से दम पे लगी है अम्मी ने, हाँ शायद दम पे लगाई हुई है, तो ये अभी इसके अंदर बिरयानी है। और अगर आपको मेरा ब्लॉग देख के अच्छा लगा हो, पसंद आया हो, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब लाजमी करना है, सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अगर आपको ब्लॉग पसंद आए तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो अपने सभी भाई को दीजिए इजाज़त, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा।